हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए भरवा करेले की रेसिपी लेके आई हूँ। करेला मोस्टली लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज मैं इसे बहुत ही अलग तरीके से बनाऊंगी, जिसे खाने के बाद आप भी करेला पसंद करने लगेंगे। आप इसे चावल रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं, बनाने में भी बहुत ईजी है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 7 से 8 करेले को हल्का सा ऊपर से छील दिया है और इस तरीके से मैंने इसे धो लिया है। इस तरीके से मैंने हल्का सा ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे मैंने बस स्पून की हेल्प से खुरच दिया है। अब इसके बीच में हमें चीरा लगा के इसके अंदर का जो बीज होता है वो हमें निकाल लेना है, और इस बीज को हमें फेंकना नहीं है। इसे भी हम पीस के मसाले में यूज़ करेंगे, तो ये करेला और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। मोस्टली लोग बीज को फेंक देते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बीज को भी मसाले में पीस के यूज़ करें, तो इससे और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो कुछ इस तरीके से मैं सारे करेले के बीज को निकाल लूँगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो इन सारे बीज को हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारे बीज को निकाल लिया है। एक ग्राइंडिंग जार में डाल के इसका हमें फाइन पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में 2 बड़े स्पून मस्टर्ड ऑयल डालना है। करेला मस्टर्ड ऑयल में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 स्पून तेल डाल दिया। इसे हल्का सा हमारा तेल गर्म होगा, इसे मैं 4 से 5 लहसुन की कली और 1 इंच अदरक का टुकड़ा क्रश करके डालना है। इसे हमें 1 से 2 मिनट तक भून लेना है ताकि इसका कच्चापन वाला टेस्ट चला जाए। हल्का सा भुनने के बाद मैं यहाँ पे एक बड़ा प्याज फाइन चॉप किया हुआ इसमें डालूँगी। प्याज को डालने के बाद भी हमें इसे हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भून लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज हल्का गोल्डन कलर में आ गया है। इस सिचुएशन में मैंने जो करेले का बीज का पेस्ट बनाया था वो हमें इसमें डाल देना है, और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 2 से 3 मिनट तक भूनना है। याद रहे, मीडियम फ्लेम पे हमें सारे मसाले को भूनना है ताकि मसाले हमारे जले नहीं और अच्छे से भुन भी जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से ये भून चुका है। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 स्पून नारियल पाउडर। अगर आपके पास नारियल पाउडर नहीं है तो नारियल का पेस्ट बना के भी आप डाल सकते हैं, इससे करेले में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसी में हम सारे मसाले ऐड कर लेंगे। तो इसमें हमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालना है, 1 स्पून हमें इसमें धनिया पाउडर डालना है, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, साथ ही 1/2 स्पून हमें आमचूर पाउडर डालना है ताकि चटपटा सा टेस्ट है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या फिर वो भी नहीं है तो आप सबसे अच्छा आप इसमें नींबू रस यूज कर सकते हैं। इन मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें 1/2 स्पून मिर्च पाउडर डालेंगे, तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे अच्छा से भून लेना है। अब हम इसमें 1/2 स्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। बस 1 से 2 मिनट तक हम इसे और भूनना है, और उसके बाद हमारा स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसे हल्का सा ठंडा होने देना है। उसके बाद हम करेले में स्टफिंग को अच्छे से फील कर लेंगे। तो यहाँ पे मसाला बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब हम इसे करेले में फील करना है। तो इसके लिए हमें करेला लेना है और जितना आ सके उसके अंदर हमें मसाला को इस तरह से आप स्पून की हेल्प से या फिर हाथ के यूज से, हाथ से भी आप इसे इसके अंदर मसाला को अच्छे से फील कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें सारे करेले को अच्छे से स्टफिंग डाल के फिल कर लेना है। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स ये भरवा करेला बनाना, और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है।
एक बार आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी पूरी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसी तरीके से हम सारे करेले को मसाला डाल के अच्छे से भर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे करेले के अंदर मसाले अच्छे से डाल दिया है। तो अब हम इसे जल्दी से फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए हम उसी पैन में हमें 2 बड़े स्पून कोई भी कुकिंग ऑयल डालना है और फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। तेल हमारा हल्का सा गर्म हो जाए तो एक एक करके हम सारे करेले को इसमें डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम उलटते पुलटते इसे दोनों साइड क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके ऊपर हमें हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर देना है और इसे कवर करके हमें पकने देना है ताकि करेला भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और बीच बीच में हमें इसे उलटते पुलटते रहना है ताकि करेला जले भी ना। तो यहाँ पे मैंने उलटते पुलटते इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये दोनों साइड से गोल्डन कलर में आ गया है। करेला भी हमारा यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसे नहीं कवर करेंगे, हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है ये करेला, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हम इसे जल्दी से सर्व कर लेंगे। तो बहुत इजी प्रोसेस है फ्रेंड्स, बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। जो लोग करेला पसंद नहीं करते हैं वो भी करेला पसंद करने लगेंगे। तो सेम प्रोसेस से आप भी बनाइए। ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।